नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सख्ती जिला के हसौल थाना की पुलिस ने हत्या मामले के आरोपी को 4 महीने तक गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दरअसल 13 नवंबर 2022 को सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के जमगहन गांव निवासी राजन खंडेकर पंथी नृत्य करने अपने पंथी पार्टी के साथ अशोक थाना क्षेत्र के लालमाटी गया हुआ था, जहां पंथी नृत्य करते अचानक से लड़खड़ा कर गिर पड़ा और बेहोश हो गया, जिसे इलाज के लिए रायपुर में भर्ती की गई, जहां इलाज के दौरान 18 नवंबर को उसकी मौत हो गई थी। मामले का मर्ग डायरी न्यू राजेंद्र नगर रायपुर से हसौत थाना को हस्तांतरित किया गया था। पुलिस ने जांच में पाया कि 13 नवंबर 2022 की रात्रि ग्राम लाल माटी का राकेश खुटे मृतक के मोबाइल से उसकी ममेरी बहन को फोन में बात कर रहा था, जिस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई और आरोपी ने राजन खांडेकर के साथ मारपीट किया था, जिस कारण से राजन खांडेकर के सिर में आंतरिक चोटें आई थी और अंदरूनी रक्त स्त्राव हुआ था। उसी वजह से नृत्य करते हुए राजन बेहोश होकर जमीन पर गिर गया था और अस्पताल में मौत हो गई थी। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या मामले में आरोपी राकेश खुटे पिता बाबूलाल खुटे उम्र 20 साल निवासी लाल माटी को कल 19 फरवरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस पूरे कार्यवाही में उप निरीक्षक नवीन पटेल, अश्वनी सिदार, मिरीज साहू, घनश्याम टंडन, ब्रिजमोहन नेताम, संदीप सोनंत, दिगंबर साहू और शिव गोपाल रात्रे का योगदान रहा। 13/11/2022 को ग्राम जमगहन जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ का राजन खांडेकर पंथी नृत्य करने के लिए अपनी टीम के साथ ग्राम लाल माटी आए थे। नृत्य करने के दौरान वह लड़खड़ा कर बेहोश होकर गिर रहा था, जिसके साथियों के द्वारा उसे पकड़ लिया गया और उसे इलाज हेतु अनंत साई हॉस्पिटल रायपुर में भर्ती किया गया था, जहाँ दिनांक 18/11/2022 को उसकी मृत्यु हो गई। दिनांक 11/2/2023 को न्यू राजेंद्र नगर रायपुर से मर्ग डायरी प्राप्त हुआ, जिस पर जांच कर गवाहों एवं परिजनों का कथन लेखबद्ध किया गया। कथन में से यह पाया गया कि ग्राम लाल माटी के लोकेश खुटे उर्फ राजेश खुटे के द्वारा दिनांक 13/11/2023 को अपने ममेरी बहन के को बात करता है एवं अफेयर रखता है बोल करके उसके साथ मारपीट किया गया था, जिस कारण उसके मृत्यु हो गई है। की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया एवं आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने से आज दिनांक 19/2/2023 को गिरफ्तार कर उसे न्याय हेतु माननीय न्यायालय पेश किया गया।